का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ में। मैंने कुछ मंगाया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, शायद मैंने आपको बताया था। और ये बड़ी, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को मंगाना चाहिए, बड़ा यूजफुल चीज है। तभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर आपको प्रॉपर इसका बताऊंगा कितने का है ये। पहले तो देखो, अमेज़न प्राइम से हमने मंगाया है, प्राइस भी हम बता ही देंगे, पहले देखो तो सही। और बेहतरीन चीज है, हम जैसे क्रिएटर एकदम से इन्होंने बाय कर लिया पता। और यार ये चाहिए मुझे, अब मैं देखा ही नहीं ना, बाय इन्होंने कर भी दिया बुक। इनवॉइस भी आ गया, इनवॉइस साइड में रख दो, कितना प्राइस है, बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है भाई, सब करें अनबॉक्सिंग। आर यू एक्साइटेड? मैं भी हूँ। इतने बड़े बॉक्स में निकला है ये योलांजी, और एक मेरे पास ऑलरेडी है योलांजी ट्राइपॉड। ठीक है, के बारे में शायद मैंने बताया था, ये भी बहुत बेस्ट है। और इसका मॉडल नंबर है MT11। और अभी इसको खोल लेते हैं, इसका भी मॉडल नंबर बताओ जरा ध्यान से। पैकिंग चेकिंग के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी बेहतरीन पैकिंग इसके ऊपर कर रखी है इन्होंने, और ऐसा हिल भी नहीं रहा था ये, और मस्त 2 से 3 दिन में मेरे पास पहुंच गया। एक्चुअली ये एक मिनी ट्राइपॉड है, ठीक है। योलांजी के जो प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो लोगों को पता होगा इसकी क्वालिटी वगैरह बड़ी अच्छी होती है। चीप सा सस्ता सा अगर आप खरीदोगे ना तो यार वो टूट जाता है, सबसे बड़ी बात ये है, और उसमें अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता। तो ये है इसकी बॉक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है MT08। ठीक है, एक्सटेंडेबल ट्राइपॉड। ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा निकलेगा, ये हैंडी है काफी। एक्चुअली हम बाहर वगैरह जाते हैं तो बाहर में क्या होता है ना, बड़े बड़े ट्राइपॉड इसको ले जाने यार थोड़ा सा वो लगता है, और इसमें बॉल हेड भी दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से। और इसकी जो हाइट है आई थिंक 8 से 9 इंच तक चला जाता है। ठीक है भाई लोगों, मैंने क्यों मंगाया दोबारा, बिकॉज मैं एक ऑलरेडी ये यूज कर चुका हूँ और इवन करते भी हैं। हाँ, और ये थोड़ा बड़ा भी लगता है। एक्चुअली ये भी घिरा रहता है ट्राइपॉड, एक मेरे पास वो भी है, ठीक है, ये भी है मेरे पास, काम होते हैं क्योंकि मैं भी काम करती हूँ असल में इससे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जैसे वीडियोस वगैरह बनाना, तो मैं इसको यूज करती हूं। कैमरे के लिए भी हैंडल होता है। बस इसके अंदर इशू क्या आता है मेरे को, मैं बताता हूं। वैसे तो बहुत अच्छा है ये, गोरिल्ला पोर्ट जैसा होता है ना, इसको कहीं पे भी ऐसे मोड़ तोड़ के आप कहीं पे भी लगा दो, लेकिन अगर आप इसको स्टैंडिंग करके कुछ काम करो तो लेबल करने में इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे छोटे में लेबल के लिए यहाँ पर दे रखा है, देख रहे हो ना, इससे आप लेबल कर सकते हो, आइडिया हो जाता है। नहीं, दूसरा ये है कि अब जैसे मानो मैं कितना भी छोटा कर लूंगी, यानी कि इसके बारे में बताऊंगा भी, इसके बारे में चल रहा है ना, दिखा। चलो चलो कोई नहीं, इसके अंदर में काफी सारी चीजें, इधर भी आप हैंडल कर सकते हैं, काफी इधर भी लगा सकते हैं, माइक वगैरह आप लोग पहले वाली भी वीडियो, कैमरा भी लगा सकते हो और इधर फोन भी लगा सकते हो। ऐसा लगे इसकी वीडियो बना दी मैंने। खोले भाई इसको, अनबॉक्सिंग कर रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने खोला हुआ है, देख रहे हो ना आप, फटा हुआ। अब वो खुल जा, अगर इसमें कुछ और निकला, वापस भी कर देते, अगर इसमें साबुन की टिक्की निकली ना तो गया बंदा। ये भाई ऐसा निकला है अंदर से मिनी ट्राइपॉड, और ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि किसी ने एक बार यूज करा हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो भाई ये निकला है इतना सा हैंडी, इसे सब कुछ खोल खाल के देखो सब कुछ। इसका बॉल हेड बड़ा सही लगता है यार मेरे को, मतलब जी देख लेना, चेक कर ले कि अगर यूज करा हुआ है क्या है, ठीक है देख लो। बॉल हेड है इसका पूरा मेटल का, अगर यूज करा हुआ ना तो गए भाई अमेज़न वाले, अमेज़न वाले क्यों गए, वो गए जिसने बेचा है, भर भर के कंप्लेंट मारूंगा, बाकी सही होना चाहिए। देखो भाई बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ऐसा है, इसको इजीली यहाँ पर रख लो, हल्का है बहुत, हैंडी ऐसे हो जाता है, बहुत हल्का है, कितना मस्त है ना। अरे लव जी तो बहुत हल्का है यार, इसे उठाने में इतना भारी लगता है यार, ये और ये दिखाना। बट हाँ ये मैं कहूंगा कि इसके ऊपर ना कैमरा वगैरह मत रखना, क्योंकि कैमरे का वेट ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये सही नहीं है। ये GoPro वगैरह के जो लिए ठीक है, और इसमें ये चीज और दिखाता हूँ मैं, ये यो इसलिए मंगाया मैंने, देखो हो गया ना मस्त एकदम, इतना बड़ा भी हो जाता है। हाँ। और इसको हाथ में बैग में डालो। अच्छा ये कहाँ काम आएगा, जैसे आपको सेल्फी वगैरह लेनी है ना, और इसमें ये भी है। अच्छा डाउन कर लो। हाँ, सही है, यू कर लो आप। तो आप ऐसे कर सकते हो, सही नहीं। अच्छा ये टाइट सा क्यों दिया हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये आई थिंक प्लास्टिक है, आई डोंट नो, ये हाँ प्लास्टिक है, लेकिन ये मेटल है और ये इधर मेटल है, ठीक है, ये इसके अंदर मेटल है, बाकी अच्छा है। और इसका कितना इंच जाता है देखते हैं दोस्तों,
अभी हम देखते हैं सब कुछ, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। टोटल अगर देखा जाए तो 10.5 दिखा रहा है, बाकी यहाँ से इससे ऊपर देखा जाए तो 6.5 इंच आपको दिख रहा होगा, है ना, इधर से मिलाया जाए तो 6.5 इंच तक चला जाता है, खुल जाता है। ठीक है, शायद और भी खुल सकता है क्या, नहीं बस तोड़ मत देना। उसमें ये चीज़ अच्छी है कि ऐसे एकदम नीचे यूँ नहीं होगा पुश, इसलिए इसमें थोड़ा सा ना टाइटनेस दी गई है, थोड़ा पुश करना पड़ेगा आपको इसको। बाकी तो मैंने ऐसे ही लिया, अभी मैं इसमें एक चीज़ और कस के दिखाता हूँ आपको। तो ये ऑलरेडी मेरे पास में था का माउंट ही बोलता है आई थिंक इसको, तो इसको ऐसे कसो आप लाइक दिस, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। देखो ये वाला फोन दे दो, ये ऐसे लगाया हमने, कैमरा ऑन कर लेना। अरे मेरा फोन ही बंद हो गया, स्विच ऑफ के बता रहा हूँ, तुमने दब रखा कहाँ, इसमें ये दिक्कत होती है। हाँ थोड़ा हैंडल, अब कोई बात नहीं खुल जाएगा, रुक जाओ उसको कसना पड़ेगा भाई मेरे को। तो सेटिंग कल हो रही है अभी, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा लगेगा लुक। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से कुछ काइंड ऑफ ऐसा लुक आ रहा है, जी शा हो रहा है, जी शा हो रहा है। अच्छा मैंने कसा दिया, टाइट तो करो पीछे से भैया, ऐसा लुक बनेगा इसका। हेलो गाइस, फुल रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाओ मुझे दो, आईफोन है वो, टैप हो जा भाई, फ्रंट कर लो अपना चेहरा तो देख लो। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? और भाई इसको अगर हम खींचे ऐसे करके तो ये ऐसे भी बड़ा भी हो जाता है इतना, और हल्का सा आप इसको लू कर लो, कस लो यहाँ पर, इस तरीके से बना सकते हो लाइक, थोड़ा सा और मैं इसको घुमा लूँ, कितना डाउन कर सकते वो दिखाओ मुझे, ऐसा कर सकते, दिखाना मुझे एक बार। मतलब जी मुझे एक चीज़ देखनी है इसमें, क्या जैसे कि ये जैसे उसमें बहुत डाउन हो सकता है, इसमें कितना डाउन हो सकता है? पूरा डाउन हो जाएगा, 90 कितना डिग्री हो जाता है वो, वही तो मैं पूछ रही हूँ, 180। हाँ यही पूछना चाह रही थी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ऐसे करके बनाती हूँ ना वीडियो, लाओ दिखाओ जरा, तुम भी तो पकड़ो, मुझे तो पकड़ लेते, क्योंकि मैं भी तो यूज़ करूँगी ये है। ठीक है अब जैसे मानो, अभी तो चलो ठीक है, अब जैसे मैं कुछ ऐसे करके बना रही हूँ, वाह ऐसे ऐसे करके कुछ यूँ करके ऐसे से बनाऊंगी, बढ़िया है जी शार, अरे छोटा सा है ना, तो दोनों में आपने फर्क देख लिया। हाँ तो बाकी तो इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, मैं छोटा सा चाहिए, ये चीज अच्छी है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सेल्फी स्टिक का भी काम कर रहा है, क्योंकि मैं ना जब पकड़ती थी ना मेरा हाथ ना कभी कभी कांपने से लग जाता है, जब एकदम से होल्ड स्टेबलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा लव जी मंगा रहे तो बेहतरीन चीज ही मंगाएंगे। अरे तो डाउन टाइट तो करो उसको, हाँ मुझे ऐसा लग रहा कि इसका खराब हो ना, लूज हो तो उसे दे देना लव जी, सही बता रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा टाइट नहीं हो पा रहा है ना, देखो टाइट होने के बाद भी हिल रहा है। हाँ बाकी ये नहीं हिलता भाई बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल नहीं हिल सकता, जब तक इसको हल्का सा लूज नहीं करो तब तक हिलता ही नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, अगर ये ऐसे अगर सच में कर रहा है तो फिर क्या एक्सचेंज करें? हाँ कर देंगे एक्सचेंज, क्या होगा। तो आप लोग भी अगर लें तो बहुत सारी चीज़ें चेक करके लें और वीडियो ज़रूर बनाएं, हाँ अनबॉक्सिंग चाहे खुद दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए है तो बहुत अच्छी चीज, बट ये कि बस ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा हमारा लूज सा पकड़ नहीं रहा, लूज सा हो रहा है, तो एक बार यही चीज चेक करो कितना टाइट हो सकता है, बस ये देख लो लव जी डाउन तो नहीं हो रहा, ये आ गया, ये मिडल आ गया, अब तुम इसे टाइट करो, अब तुम इसे डाउन करके देखो, फोन लगाओ इसे फिर देखो, वही मैं पूछ रही हूँ कितना हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, चलो यानी कैसे आपको टाइट करना पड़ेगा, हाँ लूज था यानी। तो बेहतरीन लगी हो वीडियो हमारी भाई लोगों, आप भी मंगा सकते हो, रेट में बता देता हूँ, ये पड़ा है मेरे को 1250 रुपये का, अमेजोन से मैंने बाय करा है, यूलानजी का MT08, तो आप मंगा सकते हो अगर आप भी ऐसा छोटा मोटा करना चाहते हो, इसको आप एज ए सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग ये नहीं मंगा सकते तो सबसे अच्छी सबसे अच्छी चीज है ये, हैंडी है बहुत, पर्स में लड़कियां लेके जा सकती हैं, लोग शॉपिंग करती हैं, दिखाएं और ऐसे दो मिनट में यूं बना दो, अरे भैया तुम कितने रुपए का दे रहे हो तुम यूं करके, टाइम मत लगाओ, ये फोन निकालते हैं ना ऐसे रखना चाहिए, सही है यहाँ फोन क्या कह रहा है सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगी, सच्ची बता रही हूँ,
1250 रुपए कर दो UPI। ये इतना बड़ा हो सकता है, आप जो है ना इसको टेबल वगैरह पे भी यूज कर सकते हो रख के। तो ये इसका हाइट है जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भी हम कुछ ना कुछ मंगाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे, उसका रिव्यू करेंगे हम आपके सामने, अनबॉक्सिंग भी करेंगे। एक दो चीज और मेरे को मंगानी है यार। ये कोई ऐसा नहीं है, मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिलते अभी। इन्होंने पसंद आया, इन्होंने मिल गया। ये अगर आपको मंगाना है ना, ये 350 रुपए का मिल रहा था उस पर, यूलानजी का। अगर लेना है तो बाकी आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हो, जो कोई कैमरा मार्केट है ना, चांदनी चौक वगैरह, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ से खरीद लेना, वहाँ और भी सस्ते पड़ जाएँ। बिकॉज मेरे को तो जाने का थोड़ा इशू हो रहा था यार इस चक्कर में। बाकी आप अपना बजट देखिए अपने उसके अकॉर्डिंग, जिनका ये बजट है तो वो ले सकते हैं, जिनका बहुत लोअर बजट है तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि कुछ मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। देखो मैं आपको तो एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप कुछ ऐसा वीडियोस बनाते हो लाइक यूट्यूब पर काम करते हो, जो भी काम करते हो, तो आप थोड़ा टाइम बाद ले लेना चाहे चीज़ें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लेना, समझ गए मेरी बात को। ट्राइपॉड और भी हैं जो मिलते हैं सस्ते सस्ते, ठीक है। वो क्या है, बॉल हेड ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरी आपकी जो इतनी महंगी चीज़ होती है लाइक आपका कैमरा हुआ या आपका फ़ोन हुआ, वो सस्ते के चक्कर में गिर जाए। कुछ ट्राइपॉड तो ऐसे होते हवा से ही पलट जाते हैं, बड़े बड़े ट्राइपॉड, क्या फ़ायदा उसका, वो चीज़ टूट जाए आपकी। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए। तो इसलिए मैं तो भैया, मैंने इसको फर्स्ट टाइम इसके बारे में देखा पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, और जब मैंने मंगाया इसमें सही भी है, यानी कि ये काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक यूज़ करी गई है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत बेस्ट है। सबसे छोटा ट्राइपॉड है यूलानजी का, ठीक है। और एक ये आता है, किससे भी बड़ा, तो और भी बाकी बड़े बड़े आते हैं, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हो। बाकी ये वाला जो ब्रांड है मुझे ठीक लगा, अभी तक तो सही बना रहा है अपने मटेरियल, आगे का कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर जो ग्रिप यहाँ पर रबर दिया हुआ है, इधर प्लास्टिक और इधर रबर दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है इसकी। और साथ में इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये भी रबर है जिससे कि इसकी ग्रिप अच्छी बने। ये देख रहे हो आप, ये अब जैसे हम कहीं टिकाएंगे तो ऐसे स्लिप होने का चांस नहीं है इसका। तो भाई साहब ये सब चीज़ें अच्छी लगी इसके अंदर। दूसरा, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप रील बना रहे हो या शॉर्ट्स बना रहे हो तो आप ऐसे अपना फ़ोन लगा के जो भी है ऐसे कर सकते हो, स्टैंड करके स्टैंड कर लो अपना, अपना मस्त तरीके से रखो, वजन पड़ रहा है अभी इस पे, ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, मेरे को ठीक लगा यार ये, बड़ा बेहतरीन चीज है। इवन इसको बड़ा भी कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। हाँ, बड़ा कर लो, ऐसे खींच दो इसको, ऐसे करके इसे बुद्धि पकड़ के खींच दो, समझ गए, लो बन गया। हेलो, अच्छा थोड़ा सा झुक रहा है बिकॉज इसको ना वेट वेट सॉलिड जगह पे रखा है। हाँ, ये तो मैट्रेस है ना इसलिए। हाँ, इसके ऊपर रख दो, इसमें ग्रिपिंग अच्छी है भाई साहब। ये सर तो आप लोग मंगा सकते हो, ये ना डील ऐसे करके आप काम कर सकते हो। चलो, तो इसी बात पे इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।